देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि आपके इरडोब बुक से लिया गया है, टू क्वेश्चन नंबर है 2.171, और ये जो क्वेश्चन है वो सरफेस टेंशन बुक से, सरफेस टेंशन चैप्टर से लिया गया है, और फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वर्टिकल ट्यूब है, ओके, जिसे वाटर जेट एमिट कर रहा है ना, रैपिड वाटर एमिट कर रहा है 20 मिलीमीटर अबव, बहुत ही कम होगा 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर अबव वाटर जेट का डायमीटर आपको एग्जाम दे रखा है, डी इक्वल्स दे रखा है 2 मिलीमीटर, और जहां से वाटर निकल रहा है उस ऑरिफिस का या उस राउंड होल का डायमीटर दिया हुआ है एन टाइम्स लोअर देन 20 मिलीमीटर अबव डायमीटर, एन टाइम्स, और एन स्टैंड्स कर रहा है 1.5। आप एक बार देख लीजिएगा इरडोब के क्वेश्चंस को, है ना। हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट्स को अच्छा रखना, ओके, और ये दिया हुआ है ना, तो आपको बता रहा है कि कितना रेट से वाटर निकल रहा होगा वर्टिकल ट्यूब से, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा होगा वर्टिकल ट्यूब से। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कपल ऑफ 2 मिनट्स का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन है ये। देखिए वाटर जब निकलेगा, वाटर जब वर्टिकली निकलेगा ट्यूब से, तो थोड़ा सा सोचिए, वाटर निकलेगा वर्टिकली तो वो वाटर एक आउटसाइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो ओपन होंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ओपन सरफेस होते हैं वो सरफेस टेंशन को कैरी करते हैं, मतलब बाहर का जो सरफेस होगा ना वाटर का वो सीमेंटेड टाइप होगा, हार्ड सरफेस होगा, ओके, और वो उसके अंदर में जो वाटर होंगे वो सॉफ्ट होंगे, मतलब चेनलेस होंगे, ब्रांचलेस होंगे, लेकिन बाहर मान लीजिए ये वाटर जेट है तो ये बाहर का सरफेस थोड़ा हार्ड होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके, तो उसी सरफेस टेंशन के कारण, आप मेरी बात को समझिएगा, जो वाटर सपोज कीजिए ये 20, ये बहुत बड़ा साइज है, 20 मिलीमीटर ये ले लीजिए, ओके, और ये वाटर ये तो कांस्टेंट डायमीटर है इस पेन का, लेकिन वाटर स्पूट करेगा, इमिट करेगा ऐसे, ओके, तो आपको बताना है कि कितना पर सेकेंड वाटर रिलीज हुआ होगा ट्यूब से। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेरी बात को समझिएगा, जो वाटर एमिट करेगा वो जैसे ही वाटर ट्यूब से निकलेगा वो बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स के सरफेस ओपन हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के टच में आ जाएंगे, तो वो सरफेस टेंशन के कारण वो सीमेंटेड टाइप होगा, इनवेलप टाइप बना देगा, ओके, तो आप तो वो जो सरफेस टेंशन के कारण वो इन्वेलप बना देगा, तो वो वाटर को अंदर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देगा, प्रेशराइज कर देगा, है ना, जो अंदर के वाटर चेनलेस ब्रांचलेस वाटर है, जेट जो जेट निकल रहा है उस वाटर जेट के सरफेस जो होंगे वो हार्ड होंगे लाइक सीमेंटेड टाइप ड्यू टू सरफेस टेंशन और ड्यू टू कोहेसिवनेस, लेकिन जो वाटर के अंदर के होंगे, अंदर के जो वाटर होंगे वो चेनलेस ब्रांचलेस होंगे, ओके, तो उस वाटर अंदर के जो वाटर है, वाटर जेट के अंदर जो वाटर है वो सॉफ्ट होगा, लेकिन बाहर सरफेस टेंशन के कारण हार्ड होगा, तो बाहर वाले जो लेयर होंगे वाटर के, जो थिन लेयर होगा जिसमें सरफेस टेंशन प्रेजेंट है, वो अंदर वाले वाटर को जकड़ देगा, टाइट कर देगा, प्रेशराइज कर देगा, और आप जानते हैं कि फ्लूइड्स प्रेशर लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें बर्नौली थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है, हम हमेशा देखते हैं कि प्रेशर स्टैटिक अर्थ के कारण प्रेशर हम कंसीडर करते हैं, ग्रेविटेशनल प्रेशर पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा सरफेस टेंशन के कारण। तो देखिए होगा क्या है, इसको मैं कैसे बताऊँ, अच्छा एक मिनट मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए 1 मिनट, देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्यूब, ये वाटर है, ओके, सपोज कीजिए ये वाटर का क्या है, मैंने क्या बोला था, वाटर जेट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो होगा नहीं, है ना, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अभव में स्पीड क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्ड करेगा, तो स्पीड वाटर मॉलिक्यूल का घटता जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, ओके, तो आप ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा जो थिक दिख रहा है ना
थोड़ा सा थिकनेस दिख रहा है ना, ये सरफेस टेंशन के कारण सीमेंटेड होगा और अंदर के वाटर क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, है ना, ब्रांचलेस चेनलेस होंगे। तो ये वाटर जैसे ऊपर आएगा तो आप मेरी बात को समझिएगा, ये 20 मिलीमीटर बिलो 20 मीटर अबव अप्लाई कर दीजिए बर्नालिस तरफ। तो आप ये देखिए, अगर आप ये डायमीटर जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें दो पॉइंट ले लीजिए, डी वाई हाइट का वाटर लीजिए, डी वाई एलिमेंटल हाइट का वाटर ले लीजिए, तो डी वाई में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस सिलेंडर के हाफ सिलेंडर के लेफ्ट और हाफ सिलेंडर के राइट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा। देखिए ये डी वाई हाइट है ना, यहाँ पर ले लीजिए मॉलिक्यूल ये डी वाई हाइट का, और जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट भी डी वाई हाइट का है, तो उधर उस साइड के मॉलिक्यूल इस साइड हाफ सिलेंडर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो डी वाई मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हाफ सिलेंडर के डी वाई को खींचेगा, तो कितना फोर्स लगा देगा, एस डी एल, तो एस इंटू डी वाई यहां से होगा और एस इंटू डी वाई इस साइड से होगा, पेन के मेरी तरफ जो पेन है उससे उसके होंगे, तो कितना फोर्स लगाएगा, 2 एस डी वाई। ओके, तो आप ये बताइए अंदर के वाटर के वाटर जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, तो आखिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि दोनों हाफ सिलेंडर एक दूसरे को खींच रहा है ऐसे, तो उससे वाटर कंप्रेस हो जाएगा, तो कंप्रेस होगा तो उसका एक इक्वेशन क्या बनेगा, उसका इक्वेशन बनेगा, मेरी बात को समझिएगा, एस इंटू टू डी वाई। ओके, हाफ सिलेंडर जो डी वाई मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस हाफ सिलेंडर के डी वाई को खींचेगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेशंस क्रिएट हो जाएगा, और वो कंप्रेशंस अंत में फाइनली जो अंदर के वाटर है उसको वो कंप्रेस कर देगा, प्रेशराइज कर देगा। तो एक इक्वेशन आपका हो गया पी इंटू कितना हो जाएगा, अगर आप बनाते हैं तो पी इंटू टू आर, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, तो पी इंटू टू आर इंटू डी वाई। ओके, क्योंकि आपने डी वाई हाइट का विड्थ कंसिडर किया है, तो ये डी वाई और ये डी वाई, तो एक रेक्टेंगल बनेगा, वाटर एक वाटर का रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लीजिए, तो एस डी वाई 2 एस डी वाई, और वो जो रेक्टेंगुलर वाटर है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इस दिशा में मोशन नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो, यानी अंदर में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो आ नहीं रहे, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर में वाटर कंप्रेस हो गया होगा, वाटर इधर की ओर फोर्स लगा देगा, तो वाटर कितना फोर्स लगा देगा अंदर में, प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू सरफेस टेंशन, पी इंटू क्या होगा बताइए, पी इंटू टू आर इंटू डी वाई इक्वल्स टू एस इंटू डी वाई प्लस ये साइड का एस इंटू डी वाई। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके इक्वेशन क्या आ जाएंगे, पी इंटू डी वाई इंटू टू आर, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा एस वाई आर। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन एस वाई आर। अब आप बर्नौली फॉर्म लगा दीजिए, 20 मिलीमीटर बिलो और 20 मिलीमीटर कॉरस्पॉन्डिंगली अबव, तो जस्ट ऑरिफिस के बगल में बर्नौली लगाइए, तो क्या इक्वेशन होगा, तो आपने प्रेशर इक्वेशन सरफेस टेंशन का एंड प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसका इक्वेशन है एस वाई आर, तो एस डिवाइडेड बाय आर कितना होगा, डी बाई टू इंटू स्मॉल एन, आप एक बार देख लीजिएगा, एन टाइम्स लोअर डायमीटर है। तो अभी हमने प्रेशर का फार्मूला लाया था एस वाई आर, तो एस वाई एक इक्वेशन बना लीजिए, एस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, डी बाई टू इंटू एन प्लस हाफ रो यू स्क्वायर, और यहाँ का भी बर्नौली लगाइए, तो एस डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, डी बाई टू, बोल रहा है बुक आपका डायमीटर क्या, आधा स्मॉल डी दिया हुआ है, तो डी बाई टू कर दीजिए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और एल हाइट दिया हुआ है रो जी एल प्लस रो जी एल। तो आपके इक्वेशंस आ गए हैं, क्या इक्वेशंस आएगा यहाँ पर, वो आप समझ गए, टू क्या बोला था मैंने, टू एस बाई टू एन एस बाई डी प्लस हाफ रो यू स्क्वायर इक्वल्स हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एल, एल हाइट अबव, एल दिया हुआ है 20 मिलीमीटर।
और प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। और आप एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट द नियर ट्यूब एंड और अबव 20 मिलीमीटर। तो एक एरिया इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई डी बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू। यू हो जाएगा यहाँ का इनिशियल स्पीड, और यहाँ का स्पीड क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू वी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप ले लगा दीजिए, तो आपको एक इक्वेशन आ जाएगा यू इक्वल्स एन स्क्वायर वी आ जाएगा, वी वेलोसिटी और स्पीड स्टैंड करेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही फेमस रिजल्ट्स आ जाएगा, वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एरिया से, आपको रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो का जो इक्वेशन आएगा वो फाइनली हमें याद है आंसर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगा आप एक बार देख लीजिएगा, वो आएगा पाई स्मॉल डायमीटर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gl माइनस सर्फ एस 4s इंटू स्मॉल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई रो इंटू डी डिवाइडेड बाई n टू द पावर 4 माइनस 1। ये फार्मूला आपको आएगा, ओके तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमें ये मैसेज दे रहा है कि 1 मिनट